अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको अच्छे से सवाल पूछना आता है, अगर आपको पता है कि कौन सी बात किससे पूछनी है, और आपको पता है कि आपके इस सवाल का अच्छे से वहाँ से जवाब मिल जाएगा, तो यकीन करें आप किसी भी स्टेज पे मार नहीं खाएंगे। ये मैं आपको बड़ी गारंटी से कह रहा हूँ। आप फ्रीलांसर हैं या आप कहीं जॉब कर रहे हैं किसी कंपनी के अंदर, और आप किसी जगह पर स्टक हो जाते हैं, मोस्ट ऑफ़ द टाइम आपको किसी आम बंदे से फ्री ऑफ कॉस्ट कोई सपोर्ट नहीं मिलती। इवन लोग प्रोफेशनल लाइफ में मैंने देखा है कि जो भी उनके पास नॉलेज हो आगे ट्रांसफ़र ही नहीं करते, करना ही नहीं चाहते वो। तो सवाल किससे पूछा जाए कि आप जहाँ पे स्टक हों आप उस सिचुएशन से निकल जाएं। सो द गूगल इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू आस्क क्वेश्चंस। आप जब भी कहीं स्टक हों, किसी भी चीज़ में स्टक हों, आप गूगल से पूछें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक SQL सर्वर की क्यूरी लिख रहे हैं या SQL सर्वर में मैनेजमेंट कर रहे हैं, आपने पहले कभी नहीं की और आपको ये टास्क असाइन कर दिया गया है। दो चीज़ें हैं, या तो आप रिफ्यूज़ कर दें कि जी माजरत मैं नहीं कर सकता, जो कि एक फ्रीलांसर जो है वो तो कभी भी ऐसा नहीं करेगा। जॉब में भी जो परफॉर्मर लोग होते हैं, जो काम की बेस के ऊपर आगे मूव करते हैं, वो भी कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। तो वो उसके लिए बेहतरीन हल क्या है? उसका बेहतरीन हल ये है कि आप गूगल पे जाके अपना क्वेश्चन थ्रो करें। क्वेश्चन लिखने का अंदाज़ आपको पता होना चाहिए, आपके कीवर्ड्स की चॉइस अच्छी होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, आप SQL सर्वर क्यूरी राइटिंग में स्टक थे, आप लिखेंगे हाउ टू राइट सेलेक्ट स्टेटमेंट विद इनर जॉइन, या हाउ टू राइट सेलेक्ट स्टेटमेंट मल्टीपल सेलेक्ट स्टेटमेंट विद यूनियन। ये आपको चुटकियों में बताएगा कि ये कैसे लिखा जाता है। आप एक सवाल करेंगे, 36 जवाब देगा आपको। उन 36 में से 30 जवाब आपकी मर्जी के होंगे, 6 में भी कोई एडवर्टाइजिंग हो सकती है या कीवर्ड्स उसने अच्छे यूज़ किए थे, लेकिन आंसर जो है उस हिसाब से नहीं था। तो सवाल पूछना सीख लें। जो भी स्किल आपके पास है उस स्किल को बेचना शुरू कर दें। जहाँ पर स्टक हों गूगल के पास चले जाएँ, गूगल आपको उस पर गाइड करेगा। आपके पास नॉलेज है, अपना नॉलेज गूगल को ट्रांसफ़र करें। ऐसा यूनिक नॉलेज जो आप समझते हैं दूसरों को जानना ज़रूरी है। अब गूगल को आप अपना नॉलेज कैसे दे सकते हैं? उसके मल्टीपल तरीक़ाकार हैं। सबसे बेस्ट ज़रिया है आप वीलॉग बनाएं और यूट्यूब पे डाल दें, अच्छे कीवर्ड्स के साथ, अच्छी डिस्क्रिप्शन के साथ। वीलॉगिंग से आपको झिझक है, आप कैमरा फेस नहीं कर सकते, या आप समझते हैं कि आप इतना अच्छा कम्युनिकेट नहीं कर सकते, आप पोस्ट डालें, फेसबुक पे डाल दें, ब्लॉग में डाल दें, किसी फोरम पे डाल दें। आपकी पोस्ट जो है वो भी किसी की सर्च में आएगी। जब वो किसी की सर्च में आएगी, कोई उसे हेल्प लेगा, तो आई बिलीव कि आपको भी इंटरनली सेटिस्फेक्शन होगी कि आपका इलम किसी दूसरे के काम आ रहा है। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट टिप है। आज से ही गूगल से सवाल करना शुरू करें, और अगर गूगल से जवाब ना मिले तो मुझे ज़रूर बताइएगा कॉमेंट्स में। थैंक यू वेरी मच।